लखनऊ में सपा कार्यकर्ता पर अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों के साथ की बड़ी बैठक। समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों के साथ शिवपाल यादव, राम गोविंद चौधरी समेत तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो परीक्षा रद्द हुई। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चलती रही किस तरह से पेपर लीक हुआ है। जहां भी गया उनकी यही मांग थी, पेपर दोबारा से हो। अखिलेश सरकार की ये परीक्षा ही नहीं, जितनी परीक्षा हुई सारे पेपर लीक हुए हैं। आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। सर, इसका लोकसभा पे कुछ असर पड़ेगा? इसका गणित बताया, 60 लाख अगर हम हिसाब किताब माँ बाप को भी मिला दें, 1,80,00,000 होते हैं। और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 से लोकसभाओं से, तो 2,25,000 गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सोचिए। इसलिए ये एग्जामिनेशन कैंसिल कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है सर, बच्चे ये बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज नहीं है। सर, बच्चे ये कह रहा है कि इतने साल हम लोग माँ बाप के पढ़ाते हैं, 6 महीने बाद पेपर होगा तो सरकार कुछ रियायत देगी, कुछ तैयारी में कुछ देगी पैसे, आप कैसे? ये सब मांगों को रखा जाएगा, सरकार को इस मांगों को नौजवानों की स्वीकार करनी चाहिए। सबसे ज्यादा किसान के बच्चे आए हुए थे और गरीबों के बच्चे आए हुए थे, उनका ये कहना था, आदर जी उनका ये कहना था कि जो किराया था वो हम दोस्तों से उधार मांग के लाए, फिर एक बार दोबारा सच्चाई है कि किराए से लेकर के और किस तरीके से परीक्षा के लिए आते हैं, वो जो तस्वीरें देखी स्टेशन की, वो बच्चों को सोते देखा तस्वीरों में, किस तरीके से प्लेटफॉर्म में बैठे थे, किस तरीके से सीढ़ियों में बैठे थे, बिना खाए पिए क्या इंतजाम करके आए होंगे, सोचो कितना परेशान किया आपने, किससे उधार लेकर के आए होंगे। ये गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अग्निवीर व्यवस्था लागू हुई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेटा का एनालिसिस की कि आखिरकार फौज में कहाँ के बच्चे भर्ती होते हैं। फौज में सभी बच्चे गाँव के भर्ती होते हैं। वो मान गए कि इनके भर्ती होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनके घर परिवार में खुशहाली आती है, इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके पक्की नौकरी खत्म की, अग्निवीर टेम्पररी नौकरी लेकर के आए, क्योंकि उनका टारगेट है कि गांव के बच्चे ना आगे बढ़ जाएं, उनका परिवार ना पड़ जाए, आगे बढ़ जाए। और यही पुलिस के साथ इन्होंने किया। क्या जरूरत थी बर्ड रिकॉर्ड बनाने की? आप हर साल भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर 6 महीने में क्यों भर्ती नहीं कर रहे? आप कैलेंडर निकालिए, भर्ती करिए 6 महीने में। सर, बच्चे बहुत से तरीके हैं सरकार अपना सकती है, क्योंकि सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पे बजट है, सरकार पे पैसा है। भाजपा वाले कह रहे हैं विपक्ष की साजिश है। इधर जी पत्रकार ज्योतिरादित्य साहू के ऊपर सरकार ने एफआईआर लिखी थी, उन्होंने 2-2 लाख रुपए में नौकरी बेचने वाले दलालों का स्कैंडल किया था। एक जो वीडियो आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वो पदाधिकारी था या सदस्य था जो इस तरह से पैसा वसूल रहा था, जो पकड़ा गया था, उस पत्रकार पे एफआईआर भी हुई। वो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार अपना छिपाना चाहती। जो सरकार प्रेस के लोगों पे दबाव बनाई वो लुकान लुकता थी सरकार है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दे रही है दाना, फिर गाओ उसका गाना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।